गाइस आज की शुरुआत हो रही है कार में, क्योंकि जैसे लास्ट व्लॉग में आपको बोला था कि हम शायद प्रोग्राम प्लान करेंगे अपना कहाँ का, शिमला का। हमने शिमला स्टे नहीं करना, बस यहाँ से पास ही है, 3 घंटे का रास्ता है, तो बस गेड़ी मार के थोड़ा घूम फिर के, और कोशिश करेंगे जाखू मंदिर भी जाने की, और वहाँ मॉल रोड भी घूमेंगे, घूम फिर के आ जाएंगे वापस। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा डॉगी कहाँ है, ऑटो में? ये देखो गाइस प्यारा सा, आई थिंक ये लेबरा ब्रीड है, ये ऑटो में बैठा बेचारा गर्मी में हा कर रहा है। ओ इसके कान में चोट लगी हुई बेचारे की, ये देखो आप दिख रहा ना, कान में इसके चोट लगी हुई बेचारे की, यहाँ पे भी ट्रीटमेंट करा के आया बेचारा अपना। सो गुड आफ्टरनून, टाइम हो रहा है 12:15 और नोनी गया है केमिस्ट की शॉप पे, क्या करने गया तू केमिस्ट की शॉप पे? हाँ आदमी की मेडिसिन लेने गया है, क्योंकि इसको पहाड़ों पे आती हिल्स पे वॉमिटिंग, तो इसको देनी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर हम ट्रैवल नहीं कर सकते हिल्स पे। और डॉली हाय गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइस, हमारे लिए मॉर्निंग है, 12:15 हो रहे हैं, हाँ करेंगे हमारे लिए मॉर्निंग, और इन सब के लिए गुड आफ्टरनून। और तनु कैसे हो? एकदम बढ़िया। बढ़िया क्या खा रहे हो? ग्रेप्स। ओके गुड गुड, चलो बढ़िया, खाओ ग्रेप्स। अब ये जीरकपुर की मार्केट है, काफी अच्छी मार्केट है यहाँ की, बढ़िया एकदम नाइस। ये आगे हमारे नोनी आदविक की मेडिसिन लेके, कम बेबी सेम सॉल्ट दिया, चलो कोई बात नहीं, नॉलेज को मेडिसिन दे दियो क्योंकि जल्दी हिल्स आ जाए, इसको जल्दी दे, इसको ना जल्दी दे दी क्योंकि ना फिर हिल्स स्टार्टिंग में है। हाँ ग्रेप्स बेटा फिनिश करो, ग्रेप्स आपको मेडिसिन देनी है, ठीक है? ओके अद्दू। सो अब हिल्स स्टार्ट हो रही हैं शिमला के लिए, ये हल्के हल्के पहाड़, ये वादियाँ शुरू हो गई हैं, और जितना ऊपर हमें दिख रहा है आपको भी शायद कैमरा में इतना जस्टिस होगा नहीं जस्टिस, कि वो देखो राइट साइड में भी हल्का हल्का फॉगी सा हो रखा है, या सनलाइट की वजह से हिल्स थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रही, फॉगी। ओके अपना ध्यान रखिए, वॉमिट मत कर दियो, और आए तो पहले बता दे कर। ये वही रोड है ना नोनी जहाँ पे ये ढह गई थी सड़क पूरी नीचे को, आगे वाली थोड़ी आगे से थी ना, पूरी ढह गई थी नीचे को, बंदी कर दिया था, रोड ही बंद हो गया था यहाँ का, आई थिंक यहाँ का एरिया था थोड़ा सा आगे जाके, है ना? और आगे का था। अच्छा चलो मिलते हैं आगे आपसे फिर से। सो अब प्रॉपर आया वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे टोल पर्ची कटेगी, ये बंदा बेच रहा बुड्ढी के बाल, ये कभी नहीं खाने चाहिए, ये बैन हो गए कई जगह, पता कौन सी, ये बुड्ढी के बाल बोलते क्या, सॉरी हिंदी में बुड्ढी के बाल बोलते थे, हम तो हिंदी में तो ये बोलते थे बुढ़िया के बाल। हाँ तो ये बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है, हमने भी खाए हैं, बहुत रेयर खाए हैं, डॉली भी खाती थी इसको बहुत शौक, आज भी खाती थी, अब मैंने इसका बंद करा दिया है ना। सो फर्स्ट ब्रेक लगा है धर्मपुर के पास, हम रुके हैं बर्गर किंग, अब देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं, अभी लंबी लाइन लगी हुई है, देखते कब तक नंबर आता है। गाइस क्या लोगे तुम लोग? बर्गर ही लेंगे, बर्गर लोगे, धर्मपुर है। हाँ वो जो राहुल भाई जब कह रही थी कि धर्मपुर जाना, मैंने मैक्लोडगंज से लगाया, हाँ तो मुझे लगता है वो 7 hours दिखा रहा था वहाँ से। अच्छा तो वो ये जगह है। हाँ वही तो, ये धर्मपुर है, वो धर्मकोट था, धर्मकोट जो अपना उधर मैक्लोडगंज के पास था, वो बहुत अमेजिंग जगह थी बिल्कुल, और अच्छी हिल्स पे बढ़िया। हमारा ऑर्डर आ गया है, लीजिए चलो भैया, दुकान क्यों बंद कर देते बार बार, तनु पकड़, तनु ने पकड़े इसको, ये बेरी ब्लास्ट स्ट्रॉ डाल दिया, ये बंद क्यों कर देते बार बार? अच्छा बक्खी वगैरह आए थे, ठीक है सब हो गया ना, चलो इनकी बक्खी बंद, बक्खी अंदर घुस जाती है इसलिए बार बार इसको भी बंद कर देते हैं, ये बड़ी तरह सोच रहे थे क्या चक्कर है ये बार बार अपनी दुकान को बंद कर। हाँ मैं कहा शायद कोई लूटपाट ले जाए, अभी दिखाते हैं ऊपर सुपर, वेयर माय ऊपर, तुम्हारा छोटे जूनियर ऊपर, अब वो वाला ऊपर बॉस ऊपर नहीं आता ना। अच्छा चलो कोई बात, गाइज ये देखो माचिस की डिब्बियां, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये छोटे छोटे घर हैं, दूर से दिखाई दे रहे हैं माचिस की डिब्बियों की तरह, कितने प्यारे प्यारे घर हैं,
ये देखो, और ये है सोलन के आसपास है भाई, हम 2-3 किलोमीटर रह गया सोलन। रोड्स काफी अच्छी कर दी गई हैं, बढ़िया एकदम प्लेन सफाट मस्त, कोई खराब नहीं कुछ नहीं, बढ़िया रोड है और सब यहाँ स्लीपिंग मोड में आ चुके हैं। मैं जाग रहा हूँ आपके साथ। हाँ तू जाग रहा लेकिन बात नहीं कर रहा, कह रहा मेरे कान में भारी हो गए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल फला देखो किसी न किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम ही चली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल हमारा अलग ही चल रहा है गाड़ी। और ये कोई बाइकर गोप्रो लगा के वेस्ट बंगाल से आए हैं। ऐसा कुछ नहीं था, वेस्ट बंगाल से आए हैं। WB था नंबर। अरे वो तो बाइक यहाँ भी सेकंड हैंड मिल जाती ना WB की, तो वो जटलोप जो होता है उसके वेस्ट बंगाल की या फिर वो कहाँ का अपना नेपाल की बाइक है उसके पास ले लेते, सब सेकंड हैंड मिल जाती हैं, रेंट पे हायर कर लेते हैं। गाइस ये सारा लैंडस्लाइड एरिया चल रहा है, अभी पीछे बहुत सारी लैंडस्लाइड हो रखी थी और लेट कैमरा ऑन किया। इधर दिखाना ये दिखाना भाई कैमरा में, कुछ सीखो कैसे व्लॉगिंग करोगे। हाँ ये देखो कितनी सारी लैंडस्लाइड हो रखी, कितने बड़े बड़े क्या रखा हुआ है, ये सब ये जो दीवार ये जो लग रखे हैं पत्थर बड़े बड़े उनपे फिटिंग करने के रखे और क्या, और कुछ भी पता मशीनों से तोड़ के वो रखी, कुछ वैसे नेचुरल लैंडस्लाइड हो रखी है। और बाकी अभी पीछे भी वही हुआ है कि कैमरा ऑन नहीं किया। अब भाई सामने दिखाओ जी मेरे पे दिखाओ कैमरा मैन को सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अच्छे से। अभी पीछे बहुत सारे बाइकर्स है, कुछ बाइकर्स आ रहे थे और कुछ बाइकर्स जा रहे थे। आई थिंक ये रूट तो वैसे स्पीटी वैली के लिए जाता है, गाजा वाजा के लिए, आई होप वहीं जा रहे होंगे क्योंकि अगर देर हो रहा है। अरे ये आग लगा रखी पहाड़ों पे, दिखाओ जी सामने जूम कर थोड़ा सा, वो देखो गाइस पहाड़ों में आग लगा रखी है, धुएं से उड़ रहे हैं। जो ये स्टार्टिंग में बोला था कि अपने नोनी मेरा कि ऊपर हिल्स पे थोड़ा सा स्मोकी स्मोकी सा रखा है, फॉगी फॉगी था, वो फॉग नहीं था, वो यहाँ पे उन्होंने आग लगा रखी है। बाकी सोलन क्रॉस के काफी देर हो गई है और कितना लगे 32 किलोमीटर लगी अपना 1 आवर का डिस्टेंस तो शिमला पहुंचने के लिए। और पहले कोशिश गाइस ये देखो कैसे आग लगा रखी है, दिख रही ना आपको, मैंने जूम किया हुआ है। अब ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये खुद लगी है आग या इन लोगों ने लगाई है, कमेंट करके बताना ही क्या चक्कर है। और ये बुझा भी नहीं रहे पूरा, बहुत जगह आग लगी पड़ी, जब से देख रहे हैं पहाड़ों पे धुआं ही धुआं निकल रखा, आग लगी पड़ी है। अब ये लॉजिक समझ में नहीं आई बात क्या कारण है। बाकी स्पेशल कार रुकी थी साइड में ये फायर दिखाने के लिए आपको, और जनता पार्टी क्या कर रही है ये देखो, दोनों फोन में घुसे हैं, रशु मेरी ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। वो देखो कैसे काले हो गए, नीरे नीरे ब्लैक हो गए जल जल के। आपको और क्लियर दिखा दो, यहाँ से पूरा क्लियर व्यू आएगा, यहाँ से पूरा क्लियर व्यू है। ये देखो कितना पूरा जला जला के ब्लैक हो गया, और ये रही फायर, ये देखो क्या यार सच्ची। वो देखो एक वहां सामने, वहां भी धुआं उड़ रहा है, वहां भी आग लगी पड़ी है। गाइस अभी रुके हैं हम बीकानेर डोमिनोज पे है, जिस पे भी मर्जी रुक जाओ टी टाइम के लिए, इनको चाहिए चाय चाय चाय, और यहाँ लिखा आई लव ग्रब हब, हैशटैग भी बोलना था क्या, हैशटैग ग्रब हब। हाँ ये कोई है बस शिमला से 20 किलोमीटर पहले, और यहाँ का देखो नजारा ऊपर से, तो पैराग्लाइडिंग करेगा क्या, ये देखो क्या मस्त व्यू है, लाजवाब मजेदार व्यू है ना, इंटरेस्टिंग। ये कोई प्रॉपर्टी है, नहीं प्रॉपर्टी नहीं मतलब ये अपना खाने के पॉइंट है, काफी काफी चीजें यहाँ पे, द रॉक मैक्स बारबेक्यू डोमिनोज ज्ञानीज। अब वो चले गए अंदर, मैं भी जाता हूँ देखते क्या रहते, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम लेता हूँ। आदमी के साथ उसको छेड़ा जा रहा है, उसको ये कैंडीज बहुत पसंद है ना, बोल दिया इसका एक्सप्रेशन देखो, बंदी नहीं हो रहा आपको, ये तो बंदी नहीं हो रहा, एक मुंह में डाल देखते इसका एक्सप्रेशन देखिए, ये खा लूं मैं, ये खा जाऊं
अच्छा जो सिंगल है वो वाला खाऊं? इस ये एक ही है क्लोज कर दूं? हेलो ऐसे नहीं करते, शेयर करते बेटा। वेलकम टू शिमला, पहुंच गए हम अब शिमला। और ये शिमला में एंटर करते ही बस क्या देखने को मिलता है, धुआं। पता नहीं क्या कर रखा है हमें, समझ में नहीं आता है। छोड़ो परे, हम अपना शिमला का मजे करते हैं। जब शिमला वालों को दिक्कत नहीं है कि पहाड़ों में आग लगे तो हम दिल्ली वाले क्या करें, है ना भाई? सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो? दिखाते हैं, दिखा हर जगह बुरा हाल कर रखा है, मतलब लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। तो देखो कैसे आग लगी पड़ी है, और नीचे क्या ट्रैफिक खड़ा है, वो गाड़ियां खड़ी उसके बगल में, और मैंने जिसके यहाँ डोरी बगल में जा रही है वो टॉय ट्रेन की। हाँ, इसी के बगल में बिल्कुल नीचे टॉय ट्रेन जा रही है, मैंने अभी देखा था। बस अब प्रॉपर एंटर करते हैं शिमला की, वहाँ हमें दूर से दिखाई देंगे हनुमान जी, उनको प्रणाम करेंगे, गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में। और सबने ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे पहले जाको मंदिर। पर पहुंच चुके हैं शिमला, ये देख रहे हैं आप शिमला की ब्यूटी। और आपको डॉली एक स्टोरी सुनाएगी, उसका क्या इंसिडेंट हुआ था। फोक कैमरा टर्न कर दिया डॉली की तरफ, को कैमरामैन इधर फोकस, वो जो सामने दिखाओ बस स्टैंड कैमरामैन। ये जो बस स्टैंड है ना, मैं फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ जब शिमला आई थी बस से, तो मेरी रात को वापसी थी दिल्ली की बस से, तो मेरी बस ही छूटने वाली थी, 5 मिनट बचे थे, और मैं भाग भाग के अपने बैग लेके इस बस स्टैंड पे आई थी और फटाफट बस में चढ़ी थी। तो छूटी क्यों नहीं? फिर रोक गई ना, हमने फोन मिला दिया, भैया रोको, वो कहता हम चला रहे हैं, उसने चलानी शुरू कर दी थी, फिर पर मैंने पकड़ ली भाग भाग के। और बहुत ही बड़ा हाल है, ये देखो ये जो लाइन लग रही है सामने लिखा लिफ्ट टिकट काउंटर, ये उसकी लाइन है, और ये लाइन पैराग्लाइडिंग माल रोड, वहाँ पे भी पैराग्लाइडिंग माल रोड की है, और यहाँ दूर तक सब लाइन लगी पड़ी है। अब टिकट आएगी तभी हम लाइन में लगेंगे, कॉर्नर में खड़े हैं साइड में। और दूर क्या हुआ बेटा, हैं क्या कह रहा है? अभी कुछ नहीं, ऊपर जाएंगे तब पियेंगे, ठीक है माल रोड में। ट्रॉली टिकट लेके आ गई है, लाइन में लग गई है। अब देखो कौन से लिफ्ट का नंबर आएगा, वहीं पे धागा धाबा बोल देंगे। अद्दू मेरे पास है क्या? अद्दू कुछ भी क्या मैं तो आई थिंक सेकंड टाइम लिफ्ट में जा रहा था, फर्स्ट टाइम बहुत सालों पहले आया था, मैं नहीं आया था। आज भी नो डॉन डॉन क्या चल ही रहे हैं अभी, ये सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए, सेकंड लिफ्ट के लिए। अच्छा प्लेजेंट मौसम है, ठीक है ना, प्लेजेंट है मौसम, कोई कुछ कहता ही नहीं है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, बेकार लोग। थक गए अभी से, थक गए हमको देखो, हम 39 इयर्स ओल्ड हैवी वेट चैंपियन। अच्छा तुम ठहरे यंग बॉयज गर्ल लो वेट चैंपियन, यहाँ भी लाइन है भगवान। सो गाइस पहुंच गया मॉल रोड, और ये रहे हम सब, अभी देख रहे हैं कुछ बहुत भीड़ है, और साथ साथ शिमला में हल्की ठंडी सी हवा है, बस गर्मी है वैसे तो, नहीं गर्मी तो नहीं है, प्रेजेंट है। हाँ उधर चढ़ाई करेंगे, यहाँ पे चाय के लिए भीड़ लगी है, यहाँ मुझे दिख रहे हैं मोमोज, यहाँ देखो ना मोमोज है, तो ले लेते हैं, खाओगे मोमोज? ये कुछ कह रही है, मोमोज खाओगे? मोमोज नहीं, नहीं कॉफी भी नहीं है। अच्छा चलो मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, चलो धीरे धीरे चलते हैं, सांसें मत फुलाओ तुम, चल रहे हैं हम धीरे धीरे। और अच्छा मौसम है बहुत अच्छा, पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, खा लेते हैं हल्का फुल्का सा, फिर जाएंगे जाखू टेम्पल। चर्च तक पहुँचने में हालत खराब होने वाली लग रहा है, ओ स्टीप है, और इतना कार में ट्रैवल करके आए ना, अभी थके हुए हैं बिल्कुल, रेस्ट ही नहीं किया, बिकॉज आज ही अप एंड डाउन करना है, वापस जीरकपुर भी जाना है। क्या है ये? तो ऐसे ही कुछ बना हुआ है, तो मॉल रोड, इसको चूचू इसलिए है बिकॉज ये कुछ खा लेगा ना तो थोड़ा बेटर फील करेगा अभी। अरे आगे वो जो है ना एक, उसके मोमोज सच में अच्छे हैं,
ब्यूटीफुल सी मार्केट, बच्चों की शोरूम्स और लॉर्ड गॉडेस के आइडल्स। चलो चलो, क्यों रुक गए हो? सब कुछ देख रहे हो क्या? विंचाम साउंड तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत सुंदर है माता रानी। बहुत महंगी है भाई, दिल्ली से मिलेगी, दिल्ली से। स्केचर्स, अरे यार ये लोग कुछ खिला पिला नहीं रहे। ओहो, लापिनोस, बहुत क्राउडेड है। अभी मत आओ, समर वेकेशन में ना ओवर क्राउडेड हुआ हुआ है शिमला। हम तो पास में थे तो आ गए, क्या घर जाना है वापस, कौन सा स्टे करना है। अदरवाइज कोई वेकेशन की आप प्लान कर रहे तो मत आओ। हाँ जी, हाँ जी बताइए। मैं आपकी जनता से पूछना चाहता हूँ जी, दिक्कत कहाँ है फॉलो और सब्सक्राइब करना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, उठना पड़ेगा। ओहो, अभी कंटिन्यू करते हैं हम। ये इज्जत ही नहीं है मार्केट में। ये हट ओपन करवाई जा रही है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं नोनी का इंटरव्यू। हाँ जी नोनी जी, बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। पीआरके का नाम लेते इज्जत होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इतनी मेहनत करते हैं इतनी दूर आते हैं, उसके बाद भी जनता फॉलो क्यों नहीं करती? सही बात है, हम ट्रैवल कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए। आप लोगों को बता सके कहाँ खाने का अच्छा है, कहाँ पे क्या अच्छा है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अभी बता दिया हमने कि वेकेशन में मत आओ भाई, बहुत भीड़ है यहाँ पर आना। हमें तो बस अप एंड डाउन करना है। कॉफी और स्पाइस खा के बताएंगे कि कैसा है, तो यार इतनी मेहनत करने के बाद फल मिलता है जीरो, ये गलत बात है। तो इसका क्या निकलता है, वो क्या निष्कर्ष? निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि मोदी सरकार के सामने अपील करनी पड़ेगी कि स्पेशली डीआरके पीआरके के लिए वाउच करें। बोल देते हैं नोनी, बोल दो फॉलो करें, करो गाइस यार इतनी मेहनत कर रहे हो। ये आदवी कब क्या खा रहे हो? डोनट। और नोनी क्या है? ये है ब्लूबेरी क्रम्बल। कैसा लगा? अच्छा, हनी का फ्लेवर अच्छा है। हनी का फ्लेवर बिकॉज ये है ही हनी ना, लव बीज एंड गो ऑर्गेनिक, सब हनी है। कॉफी के साथ भी हनी आया बिल्कुल अच्छा। और तनु मेरे मिनी व्लॉग की शूटिंग करते हुए, हाँ ये अच्छा। ये कुछ और भी आ गया, चीज लोडेड बर्गर। सो अब हम पहुंच गए हैं ये ऊपर चर्च वाली रोड जो है, मॉल रोड का टॉप जो है शिमला के उधर। और ये यहाँ पे इस एरिया पहली बार आया। अच्छा, हम तो आए हैं पहले। शुभ आए हैं हम, पता नहीं मुझे याद है जैसे हम आए हैं। ये चर्च है इधर, उधर जाएंगे हम। ये चर्च हो गया, हनुमान जी तो अभी दिख नहीं रहे हैं। और कितना क्राउड है आप लोग खुद ही देख सकते हो, पूरा भरा हुआ है। यहाँ फोटो सेशन स्टार्ट हो गया इनका, बच्चों का। ऊपर नीचे हो गई क्या? ऊपर नीचे हो गई, ऊपर नीचे हो गई। और सनसेट का टाइम हो रहा है तो टाइम तो ब्यूटीफुल है पिक्चर्स के लिए। चलो चलो चलो, हमें ऊपर जाखू मंदिर की तरफ जा रहे थे, हमें कुछ दिखाई दिया पेड़ पे। ये देखो ये क्या चीज है, आप बता सकते हैं कमेंट में ये क्या चीज है? हैं? और उधर ये अंडे भागते हुए, भागने दो उसको, देखो तो सही ये है क्या चीज भाई। वो भी ढूंढ रही है मामी। मस्त लग रहा है क्या हुआ? वो भी ढूंढ रही है। तो कहाँ ढूंढ रही है वो? देखो वो आगे चली गई, वो ढूंढ नहीं रही, वो अपनी क्या कहते हैं मिनी व्लॉग बनाने में लगी हुई है। फाइनली रोप वे की वन साइडेड मिल गई टिकट, अब वापसी में देखते हैं कि 11 नंबर की बस पकड़ के आते हैं या 6 नंबर की लॉर्ड एल्डो पकड़ के आते हैं। रश कम है, अब लिफ्ट की वेट कर रहे हैं। लिफ्ट से जाएंगे ऊपर, फिर जाएंगे रोप वे से। मेरी सांसें हो चुकी ऊपर नीचे, तबीयत हालत टाइट हो चुकी है यार। ये दोनों साथ साथ ही कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन और सलमान खान। सलमान खान की आंख बिगड़ गई, सलमान खान की आंख बिगड़ गई, वो इससे बिगड़ गए, बिश्नोई पीछे लगा हो ना इसके। और ये दोनों साथ, लेकिन ये दोनों साथ साथ कैसे हैं? इनकी तो राइवलरी चल रही है ऐश्वर्या के चक्कर में, है ना? नोटिस किया जाए, पहचान हो गया ऐश्वर्या ऐसे कि नहीं हुआ? ठीक है कमेंट में बताना। अमिताभ बच्चन एंड सलमान खान, सलमान खान हो गया बहंगा। ये हरी रोप वे, डॉली और अद्दू प्रियंका, मतलब तन्नू
डॉली प्रियंका एक ही है, वो पहुंच चुके हैं। अब नोनी और मैं जाएंगे। ये रहा सारा सिस्टम। स्लोली 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 सो बैठ गए लिफ्ट में। लिफ्ट क्या रखा है, ये केबल कार रोपवे में, और जा रहे हैं जाखू मंदिर की ओर। ये देखो गाइस, डॉली और तन्नु अद्दू तो पहुंच गए यहाँ पर। उनको अलग भेज दिया, हम दोनों को अलग कर दिया है इन्होंने। हाँ बताओ यार, कट्ठे भेज देते, मजे करते जाते। और सलमान अमिताभ से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, सलमान की आँख महंगी हो गई है पहले से ना। हाँ, सलमान की आँख महंगी हो गई है, वो विष्णु के डर में। पहुँच के दिखाओ मंदिर के। हाँ दिखाते हैं, बट वहाँ पे बस ये डर है कि मंकी इतने होते हैं कि फोन कैमरा कुछ मतलब गॉगल छीन के ना ले, झपट्टा ना मार ले। और ये देखो नीचे गाइस, वो देखो, ये रहे डॉलियों ने, वो उधर से व्लॉग बना रहे हैं, इधर से मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ये अदु वेव कर रहा है। आई होप इन्होंने सनसेट की वीडियो बनाई हो। ये लोग आ गए हैं रोपवे से, हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे इतनी देर से, और ये लोग आ चुके हैं। और सनसेट का तो व्यू और अच्छा है। आदि आप बैक साइड रहो बेटा, कहाँ है मुझे तो दिख ही नहीं रही। अच्छा ये रहे। डबल के सेट में आई थी जो धर्मशाला पे थी ना, वो सिंगल के सेट में थी, ये डबल के सेट में है। आजो आजो, बहुत वेट करा दिया, शिमला से बहुत ज्यादा ठंड है ऊपर जाकू टेम्पल में। उन लोगों ने फ्रेंड्स बनाए हैं। Why they are waiting? Ajo, we are waiting. Adrik is waiting. Aao idhar, aao idhar, udhar nahi jana. Welcome, 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 welcome. So finally पहुंच गए जाखू मंदिर। This is a जाखू मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, और ये रही हनुमान जी की मूर्ति। पहले हनुमान जी के दर्शन कर लें, फोन अंदर अलाउड नहीं है। चलते हैं अंदर हनुमान जी के पास, उनसे मिल लें। जय श्री राम। गाइस अच्छे दर्शन हो गए हनुमान जी के। मैं दो बार होके आया, लेकिन मैं मौली चाह रहा था, लेकिन मेरे को मौली नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, आगे तीन बार आया, तीन बार मिली, लेकिन इस बार नहीं मिली मौली। एनीवेज चलते हैं, अब देखते हैं, अब रेस्ट करते हैं शिमला में, या फिर घर जीरकपुर की तरफ निकलते। हेलो भाई, वो जल्दी है ये अपने को डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो आगे जाता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, जय सिया राम, जय बजरंगबली। फाइनली मंदिर में दर्शन करे, और ये देखिए बिग हनुमान जी की मूर्ति। थोड़ा फ्रंट से कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। देख रहे हैं हनुमान जी की बिग मूर्ति। हाँ कैसे लग रहे हैं? गुड ना। चलो जय करो हनुमान जी को, बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, गुड बॉय। खूब मंदिर से उतर रहे हैं पैदल पैदल, देव की थोड़ी सी हालत खराब हो गई है। ये देखो कितना सुंदर व्यू है। हमने सोचा हम एक वॉक भी कर लेंगे, टैक्सी से क्या जाना, और अब उठ के चलते हैं। चलो आ जाओ, बच्चे आ गए तीनों। गाइस अब हम घर जा रहे हैं, हमारा अप एंड डाउन का खत्म, अब हम जीरकपुर के लिए निकल रहे हैं। बहुत थक चुके हैं, थक तो बहुत गए हैं, बट इंजॉय भी किया और प्लेजेंट वेदर था, तो हम धीरे धीरे आ भी गए नीचे। अब कुछ यहाँ डिनर करके और सीधा घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे। गुड नाइट, बाय बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। हाँ, सोल स्टार प्रियंका
आई एम देव रॉय कपूर, आदवी को भी ऑफिशियल आदवी कपूर, ये हमारे इंस्टा हैंडल्स है। आप ना भी बता दो, तमन्ना कर सबके अच्छा लगा, तो आप लोग ये देख लो शिमला, क्या कहते हो गाना, क्या शिमला दी, क्या था वो शिमला दी रानी, ये बाय बाय शिमला।